ये क्या है बाइलेटरल सिमेट्री, सिर्फ और सिर्फ कब, जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कट आ रहा है, व्हेन ओनली, ठीक है जी, व्हेन ओनली अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, व्हेन अ कट कम्स फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और लॉन्गिट्यूडनल प्लेन व्हिच कट्स अ बॉडी फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट इनटू अ टू पार्ट्स, सेंट्रल पोर्शन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, किससे, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से जब वो पास होगा तो उसे क्या कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, उसे क्या कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है जी। देन इनकी बात आती है बॉडी कैविटी की, इनके अंदर क्या है, पूरी तरह से बॉडी कैविटी नहीं आई थी पर थोड़ी थोड़ी बॉडी कैविटी इन्होंने शो कर दी थी, ठीक है जी, स्पेस आ गया था बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, इसलिए इनकी बॉडी कैविटी कैसी है, दे पोसेस स्यूडोकोइल बॉडी कैविटी, दे आर स्यूडोकोइलमेट्स, इसलिए ये क्या है स्यूडोकोइलमेट्स है, ठीक है जी, इसलिए ये क्या है स्यूडोकोइलमेट, ठीक है जी, स्यूडोकोइलमेट्स है। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, ये पहली एनिमल्स थे जिनके अंदर क्या एक सीधी एलिमेंट्री कैनाल थी, ठीक है जी, फर्स्ट एनिमल टू शो स्ट्रेट कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, पहले एनिमल थे जिन्होंने क्या करा सीधी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल शो करी, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या, माउथ इनका एंटीरियर पार्ट पर था ऊपरले सिरे पर और एनस पोस्टीरियर पार्ट पर निचले सिरे पर, तो पहले एनिमल है जिन्होंने कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल शो करी, ठीक है बच्चों। तो एसके हेलमेंथीज में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा कि इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है, ये स्यूडोकोइलमेट है, पहले एनिमल्स है जिन्होंने कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल शो करी है, इनकी बॉडी धागे जैसी है राउंड शेप में होती है इसलिए इन्हें राउंड फॉर्म्स भी कहा जाता है, ये क्या है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, ठीक है जी, इसलिए इसलिए ये क्या होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो इनकी जो आउटर लेयर है एक्टोडर्म और इनर लेयर है एंडोडर्म, उसके बीच में जो लेयर प्रेजेंट है थर्ड लेयर मीसोडर्म बीच वाली वो क्या है सेक्रेट पाउचेस फैले हुए गुच्छों के रूप में प्रेजेंट है इनके इनके अंदर। सो स्टूडेंट्स यहां तक के लिए इतना ही, सो स्टे सेफ स्टे एट होम हैव अ नाइस डे। लिविंग है और पैरासाइटिक है, एस्कैरिस का है, सिर्फ ह्यूमंस में पाया जाता है, एस्कैरिस लिव्स इन ह्यूमन ब्लड, जो एस्कैरिस है वो पैरासिटिक और कहां पर पाया जाता है ह्यूमन ब्लड के अंदर, कहां पर पाया जाता है जी ह्यूमन ब्लड के अंदर, ठीक है जी। देन मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सो ऑल दैट क्लियर, बाइलेटरल सिमेट्री क्या थी, जब भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कोई भी कट मारेंगे और वो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से कोई भी कट मारेंगे और वो सेंट्रल एक्सिस को क्रॉस करके दो पार्ट्स में डिवाइड को फॉर्म डिवाइड कर देगा बॉडी को, उसे कहेंगे बाइलेटरल सिमेट्री, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से जब सेंटर प्लेन को क्रॉस करेंगे तभी बॉडी क्या है दो इक्वल पार्ट्स में बटेगी, नहीं बटेगी नहीं, अगर आप क्या ऐसे कट लोगे ऐसे लोगे नहीं, सिर्फ जब आप ये कट लोगे तो ही बॉडी दो इक्वल डिवाइड पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है जी। देन अब मैंने आपको बता दिया कि इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, तो अब कंप्लीट है तो क्या है, जो इनके अंदर क्या है मसल्स है, ठीक है जी, जो इंटेस्टाइन मसल्स है वो कैसी है नॉन मस्कुलर, ठीक है, कंप्लीट है तो इंटेस्टाइन के अंदर जो मसल्स है आर्टरियों के अंदर, इंटेस्टाइन कैसी है नॉन मस्कुलर है, इंटेस्टाइन आर नॉन मस्कुलर, इंटेस्टाइन नॉन मस्कुलर होने के कारण
ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान ये प्रेफर करते हैं, ये शो करते हैं कौन सा ड्यू टू नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन ये क्या शो करते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, जैसे कि हम ह्यूमंस में है ट्यूब के अंदर ट्यूब, पाइप के अंदर पाइप डली हुई है, फूड पाइप उससे आगे कनेक्टेड है इंटेस्टाइन पाइप, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम की पाइप कनेक्टेड है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान हम शो करते हैं, ठीक है जी। माउथ एक्सटीरियर एंड पर है, इंटीरियर पर और एनस पोस्टीरियर एंड पर है, ठीक है जी। तो यही क्या और शो करते हैं स्कैरीज भी, यही फंडामेंटल जो भी आप कह ले फंडामेंट है वो शो करते हैं, ठीक है जी। देन अब क्या बात आती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है इनका, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एस शेप्ड है, ठीक है जी। एक्सक्रीटरी सिस्टम एच शेप्ड है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका एच शेप्ड है और कैसा है इंट्रा सेलुलर, कैसा है इंट्रा सेलुलर, जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एच शेप्ड है और इंट्रा सेलुलर, सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं रेनेट सेल्स, जिन्हें क्या कहा जाता है रेनेट सेल्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एस सेल एंड इंट्रा सेलुलर सेल्स है और इन्हें क्या कहा जाता है रेनेट सेल, ठीक है जी। रेनेट सेल्स जो इसके एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या आती है बॉडी वॉल कैसी है, बॉडी वॉल्स कैसी है इनकी, जो बॉडी वॉल है इनकी वो किसकी बनी हुई है क्यूटिकल्स, किसके केराटिन के क्यूटिकल्स, ठीक है। बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल, बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल ऑफ केराटिन, केराटिन केराटिन के क्यूटिकल्स की बनी हुई है बॉडी वॉल ऑफ एंड सिंफीरियल एपिडर्मिस है इसके अंदर, और सिंपिकल एपिडर्मिस पाया जाता है, सिंपिकल एपिडर्मिस पाया जाता है, बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल केराटिन क्यूटिकल्स एंड सिंपिकल एपिडर्मस एंड दे सो लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर सिस्टम नॉट सर्कुलर मस्कुलर सिस्टम, ये लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर सिस्टम शो करते हैं ना कि सर्कुलर, ठीक है जी, ना कि सर्कुलर मस्कुलर सिस्टम कौन थ्रेड वॉर्म, ठीक है जी। सो लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर सिस्टम एंड नॉट सर्कुलर, सर्कुलर मस्कुलर सिस्टम शो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर सिस्टम शो करते हैं, ठीक है बच्चों जी, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर सिस्टम ये शो करते हैं।
देन बात आती है कि सर अच्छा एक बात हो, जो नंबर ऑफ सेल्स है इनकी बॉडी में वो फिक्स रहेंगे, ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर जो सेल्स का नंबर है ना, चाहे कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, वो फिक्स रहेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स आर फिक्स्ड इन देयर बॉडी। इनकी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स क्या है, फिक्स होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं बच्चों जी, क्या होते हैं जी, फिक्स, नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, फिक्स, ठीक है जी। देन बात आती है रिप्रोडक्शन की, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन इनके अंदर बेटा जी यूनिसेक्सुअल होता है, दे आर यूनिसेक्सुअल, और हम कहें तो डाइसियस, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल है, ठीक है जी, या फिर हम कह ले डाइसियस है। इसी के कारण मेल और फीमेल अलग अलग होने के कारण ये क्या शो करते हैं, दे शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, दे शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, क्या शो करते हैं ये, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, क्या शो करते हैं जी, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, दे शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, कैसी होगी, इंटरनल आंतरिक, ठीक है जी, मेल आर स्मॉलर, मेल जो होंगे साइज में छोटे होंगे फीमेल से, मेल आर स्मॉलर इन साइज देन फीमेल, मेल फीमेल से साइज में छोटे होंगे, मेल फीमेल से साइज में छोटे होंगे, ठीक है जी, आर यू क्लियर कि क्या क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, मेल स्मॉलर होंगे फीमेल से इन साइज, साइज के अंदर छोटे होंगे, एनस इज प्रेजेंट इन फीमेल, एनस किसमें होगा, फीमेल में प्रेजेंट होगा, गोनाड्स होंगे, ठीक है, स्मॉलर गोनाड्स होंगे, स्मॉलर गोनाड्स होंगे, एनस होगा इन फीमेल, फीमेल के अंदर एनस प्रेजेंट होगा, ठीक है जी, फीमेल के अंदर एनस प्रेजेंट होगा। अब बात आती है नर्वस सिस्टम की, तो ये क्या था, सर्कुलर फ्रेंजियल नर्व सेल्स है, ये क्या शो क्या होती है, इनके अंदर सर्कमफ्रेंजियल नर्व सेल्स होती हैं, विच आर
विच आर इंटरकनेक्टेड बाय एवरी कनेक्टिव सेल। From anterior side to posterior side, ये क्या है? इनके अंदर जो circumferential nerve cells है वो क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट है, कनेक्टिव टिश्यूज या कनेक्टिव सेल्स की मदद से वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऊपरले सिरे से लेकर एंटीरियर एंड से लेकर पोस्टीरियर एंड तक, निचले सिरे तक जो इनकी नर्व सेल्स है, सर्कम पैराफरेंजियल नर्व सेल्स है, वो क्या है? टिश्यूज के हेल्प से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ऊपरले सिरे से लेकर निचले सिरे तक, जिसके कारण ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं लैडर टाइप नर्वस सिस्टम। सो लैडर टाइप नर्वस सिस्टम इन विद ड्यू टू द सर्कमफेरेंशियल नर्व सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय एवरी कनेक्टिव टिश्यू फ्रॉम एंटीरियर साइड टू पोस्टीरियर साइड, ड्यू टू विच दे फॉर्म लैडर टाइप नर्वस सिस्टम, जिसके कारण ये लैडर टाइप नर्वस सिस्टम शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एसके मेहलमेंटिस कंप्लीट होता है। हमने सब कुछ पढ़ लिया। इसकी अंदर बाइलेटरल सिमेट्री थी, राउंड फॉर्म इन्हें कहा जाता है, ट्रिप्रोब्लास्टिक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, पहले एनिमल है जिनके अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एस शेप्ड है, ठीक है जी। इंटेस्टाइन में नॉन मस्कुलर क्या थे? नॉन मस्कुलर थी इंटेस्टाइन, नॉन मस्कुलर थी, जिसके कारण ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी फॉर्म। इन्होंने शो किया कि माउथ और एनस क्या है, अलग अलग एंड पर होंगे, एंटीरियर पर माउथ और पोस्टीरियर पर एनस प्रेजेंट होगा। ठीक है जी, इनकी बॉडी किसकी बनी है? केराटिन के क्यूटिकल्स के सिंफिलियल सेल्स की बनी हुई थी। ठीक है जी, जो क्या थे? लॉन्ग मस्कुलर टिश्यूज थे, ना कि सर्कुलर मस्कुलर। ठीक है जी, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर सेल्स थे इनके अंदर, ना कि सर्कुलर सेल्स। ठीक है जी, जो इनकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स है जो वो फिक्स थे। ठीक है जी, ये यूनिसेक्सुअल थे। ठीक है जी, मेल फीमेल अलग अलग है, जिसके कारण सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो कर रहे थे, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो कर रहे थे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल थी। ठीक है जी, और अब एक बात जो आपके लास्ट में रह गई, धरती के ऊपर 15,000 स्पीसीज पाई जाती है एसके हेलमेंथिस की। There are 15,000 species found in the world. पंद्रह हजार स्पीसीज पाई जा चुकी है संसार के अंदर एसके हेलमेंथिस की, आउट ऑफ विच जिनमें से पचास जो है वो हमारे अंदर पाई जाती है। जिसमें से 50 जो स्पीसीज है वो ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है, ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है। ठीक है बच्चों जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। योर टॉपिक फाइलम एसके हेलमेंथिस इज कंप्लीट। फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू फाइलम विच इज एनालिडा, अर्थवर्म। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड